Good morning, friends. Till now you have understood features, importance and limitations of planning. Now we move towards steps in planning process. Examination point of view से भी यह steps बहुत ही important है. इसी की basis पर आप thoughts में planning function identify कर पाएंगे. कभी कभी exam में वह आपको दो तीन steps देते हैं और next two steps explain करने के लिए पूछते हैं. इसलिए आपको यह स्टेप सीक्वेंस में याद रखनी है. द फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. सबसे पहले किसी भी प्लान को बनाने के लिए आपके पास ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य, गोल होना चाहिए कि आप फ्यूचर में क्या हासिल करना चाहते हैं. यह ऑब्जेक्टिव बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, टू प्रोड्यूस फायर क्रैकर्स ऑफ रुपीज 50 लाख ड्यूरिंग सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर 2020. यह बहुत ही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है क्योंकि इसमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड सितंबर अक्टूबर 2020 और मेजरेबल आउटपुट जैसे फायर क्रैकर्स ऑफ रुपीज 50 लाख है. द सेकेंड इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस. प्रीमाइसेस मीन्स अजम्पशंस. प्लानिंग फ्यूचर के लिए की जाती है इसलिए मैनेजर को कुछ अजम्पशंस लेने पड़ते हैं जैसे फोरकास्ट अबाउट फ्यूचर एनवायरमेंट. बिजनेस एनवायरमेंट में स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस होते हैं जैसे मार्केट कंडीशंस चेंज हो सकती है, कॉम्पिटिटर्स प्लान्स, पॉलिसी, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी में चेंजेस हो सकते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशन में चेंजेस आ सकते हैं, इंटरनेशनल पॉलिसी में कुछ अपडेट्स हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं. यह सारे स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस हमारे बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं. तो इन एनवायरमेंटल चेंजेस को एक मैनेजर को फोरकास्ट करना पड़ेगा. द सेकेंड इज एग्जिस्टिंग प्लांट. जैसे फायर क्रैकर्स हम अपने इंडियन स्टेट्स में सप्लाई करेंगे या इसका एक्सपोर्ट करेंगे, हमारी कैपेबिलिटी क्या है, दैट इज एग्जिस्टिंग प्लांट. थर्ड इज पास्ट रिकॉर्ड. इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिसीज. प्रीवियस ईयर्स में हम कितने के फायर क्रैकर्स प्रोड्यूस और सेल कर पाए थे, प्रीवियस ईयर्स में हमारी पॉलिसी क्या थी, इस असम्पशन की बेसिस पर हम अपने फ्यूचर प्लान डिसाइड करेंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड डेवलपिंग प्रीमाइसेस. इन्हीं असम्पशंस की बेसिस पर हमें अच्छे से अपनी प्लानिंग करनी होगी. द थर्ड इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव फोर्सेज ऑफ एक्शंस. हर प्लान के लिए कुछ ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव फोर्सेज ऑफ एक्शंस हो सकते हैं. जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने बिजनेस में ग्रोथ करनी है तो ऑप्शन है कि वह सेम प्रोडक्ट लाइन में एक्सपांशन करे या फिर न्यू प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट करे, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करे या फिर जॉइंट वेंचर करे. नाउ द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर आवर फायर क्रैकर्स बिजनेस इज टू प्रोड्यूस इको फ्रेंडली ग्रीन फायर क्रैकर्स और टू प्रोड्यूस कन्वेंशनल फायर क्रैकर्स. नाउ द फोर्थ इज इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज. अब हमें दोनों ऑप्शंस की क्रिटिकल एनालिसिस करनी होगी, दोनों ऑप्शंस के पॉजिटिव और निगेटिव साइड्स कंपेयर करने होंगे. जैसे इको फ्रेंडली ग्रीन फायर क्रैकर्स की कॉस्ट कन्वेंशनल फायर क्रैकर्स से 30-50% ज़्यादा होती है, जबकि कन्वेंशनल फायर क्रैकर्स से पॉल्यूशन ज़्यादा होता है. हो सकता है कि गवर्नमेंट इसे बैन कर दे या पब्लिक अवेयरनेस के कारण हम ज़्यादा ग्रीन फायर क्रैकर्स ही सेल कर सके, इसे हम ज़्यादा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. इस तरह दोनों ही ऑप्शंस को कंपेयर करने के बाद हमें कोई ना कोई एक डिसीजन लेना होगा. द फिफ्थ इज सिलेक्टिंग एंड ऑल्टरनेटिव. दोनों ऑप्शन को कंपेयर करने के बाद हमें एक बेस्ट सुटेबल ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल है. सपोज हमने सिलेक्ट किया कि हम ग्रीन फायर क्रैकर्स मैन्युफैक्चर करेंगे. कई बार ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान भी सिलेक्ट करती है. जैसे 50 लाख के ग्रीन फायर क्रैकर्स मैन्युफैक्चर करने की जगह हम 25-25 लाख के ग्रीन फायर क्रैकर्स और कन्वेंशनल फायर क्रैकर्स दोनों ही मैन्युफैक्चर करेंगे, जिससे हम हर तरह के कस्टमर को कवर कर पाए. यदि किसी प्लान में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पॉसिबल नहीं है तो मैनेजर के एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है. जैसे इन्वेंशन एंड इनोवेशन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, इस केस में मैनेजर का एक्सपीरियंस ही हमें काम आएगा क्योंकि हमारे पास कोई भी पास्ट रिकॉर्ड नहीं है.
अब किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हमें उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है। इस प्लान पर एक्शन लेने के लिए हमें रिसोर्सेस अरेंज करने होते हैं, जैसे मैन, मशीन, मनी, मटेरियल रिसोर्स। इसके साथ ही मेंबर्स में कोऑपरेशन, कमिटमेंट और पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। द लास्ट इज फॉलो अप एक्शन। प्लान इंप्लीमेंट करने के बाद हमें उसे रेगुलरली फॉलो अप, रिव्यू, चेक करना होता है कि हमारा एक्चुअल वर्क स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं। यदि इसमें कोई डेविएशन है तो हमें अपने प्लान को कंट्रोल करना होता है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर पाए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।